नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार बीम में। मेरा नाम है आर्यन और आज हम खड़े हैं इंडियन हैचबैक के सामने जिसका नाम है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। 2019 में लॉन्च हुई थी और ये इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल आप देख सकते हैं। सिर्फ पेट्रोल में आती है और रेंज शुरू होती है 4 लाख रुपीज़ से एक शोरूम और टॉप मॉडल कीमत है 5.4 लाख रुपीज़। आज हम इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले, सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कार बीम को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे नए रिव्यू के साथ। आज हमारे साथ इस एस्प्रेसो का सबसे वैल्यू फॉर मनी है VXI मॉडल। कुछ उसके साथ हमें ऐसी चाबी मिलती है, एक चाबी पे हमें कंट्रोल्स मिलते हैं लॉक अनलॉक के और दूसरी चाबी हमें नॉर्मल मिलती है जिसपे हमें कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते। एस्प्रेसो की टैगलाइन है लिव इट अप और ये सीधा कम्पीट करती है KUV100 और क्विड रेनो को। यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप के हमें हेडलैम्प्स मिलते हैं हेलोजन में और उसके बाजू में इंडिकेटर्स भी हेलोजन में मिलते हैं। यहाँ पे आप टोइंग हुक का कैप देख सकते हैं और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें इसमें 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यहाँ पे सेंटर में क्रोम फिनिश में सुजुकी की बैजिंग मिलती है। हेड फॉग लैंप्स में हमें नहीं मिलते, हम इसमें एक्सेसरीज के तौर पर फॉग लैंप्स लगवा सकते हैं। आगे की तरफ मैकफर्सन स्ट्रट और पीछे की तरफ टॉर्शन बीम सस्पेंशन सिस्टम मिलता है हमें इसमें। अगर हम व्हील साइज़ की बात करें तो हमें इसमें 14 इंचेस के स्टील रिम्स मिलते हैं। ये जो आप अलॉय व्हील्स देख सकते हैं ये एक्सेसरीज के तौर पे लगवाए गए हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पे बॉडी पे इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पे 2 वाइपर्स देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक ही वॉशर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे स्प्रे प्रोवाइड करता है गाड़ी के विंडशील्ड पे। ओआरवीएम्स की बात करें तो हमें इसमें ब्लैकआउट ओआरवीएम्स मिलते हैं जो कि मैन्युअल एडजस्टेबल है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो हमें इसमें ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड मिलती है सभी वेरिएंट्स में। हमें इसमें 2 एयरबैग्स और एक एयरबैग का भी ऑप्शन आता है। ए पिलर हमें बॉडी कलर, बी पिलर भी बॉडी कलर में मिलता है। डोर हैंडल्स हमें ऐसे क्रोम में नहीं मिलते, ब्लैक कोट में मिलते हैं। ये एक्सेसरीज के तौर पे लगवाया गया है। ओआरवीएम्स मैनुअली एडजस्टेबल मिलते हैं, देख सकते हैं आप डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में। यहाँ पर हमें ब्लैक कोट का ट्रीटमेंट मिलता है थोड़ा मैट फिनिश में। फ्यूल टैंक की बात करें तो हमें इसमें 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। कुछ ऐसे टाइप का हमें रियर लुक मिलता है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में जो कि काफ़ी डिसेंट और मजबूत लुक है। गाड़ी दिखने में स्टर्डी और मजबूत है पर इसका सेफ्टी रेटिंग 0 स्टार है। ऊपर की तरफ हमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है और यहाँ पे हाई स्टॉप माउंट मिलता है। हमें इसमें डिफॉगिंग लाइन्स नहीं मिलते। टेल लैम्प की बात करें तो हमें इसमें हेलोजन सी शेप टेल लैम्प मिलते हैं। यहाँ पर हमें इंडिकेटर और यहाँ पे नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर, एस्प्रेसो की बैजिंग। मारुति सुजुकी के हार्टटेक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती है एस्प्रेसो जिस पे वैगनार जैसे सभी गाड़ियाँ बनती है, मारुति सुजुकी की मोस्टली गाड़ियाँ। यहाँ पे एक पार्किंग सेंसर देख सकते हैं आप, रियर पार्किंग सेंसर्स। हार्टटेक प्लेटफॉर्म पे अल्टो, स्विफ्ट, बलिनो, सियाज जैसे सभी गाड़ियाँ बनाई जाती है, वैगनार भी बनाई जाती है। हमें इसका बूट स्पेस की बात करें तो मैन्युअली ओपन बूट्स मिलता है हमें इसमें, चाबी से ओपन करना पड़ता है। और बूट स्पेस की बात करें तो 270 लीटर्स का हमें बूट स्पेस मिलता है हमें इसमें जो कि काफ़ी अच्छा है, सफिशियंट है। हमें इसमें पार्सल ट्रे नहीं मिलता, देख सकते हैं आप बूट। अगर हम इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो हमें इसमें 13 इंचेस का स्टील स्पेयर व्हील मिलता है MRF के टायर के साथ ब्लैक रिम्स में। और अगर हम सेंटर सीट की बात करें तो हमें इसमें 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता और यहाँ से हम फोल्ड कर सकते हैं। हमें इसमें 2 ही हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर में हेडरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता हमें इस गाड़ी में। काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है, वैल्यू फॉर मनी मॉडल है ये VXI मॉडल गाड़ी का। अगर हम आपको डेली कम्यूट के लिए गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी आपका एक ऑप्शन हो सकती है। सिटीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि इसमें हमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो कि काफ़ी अच्छा पावर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एस्प्रेसो की बैजिंग देख सकते हैं आप क्रोम में। चलते हैं रियर सीट पे और देखते हैं हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और कितना स्पेस मिलता है हमें रियर सीट में। हेडरूम तो हमें मिलेगी क्योंकि गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी टॉल है। यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप का हमें डोर मिलता है काफ़ी डिसेंट लुक के साथ। यहाँ पे ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स, यहाँ पे मैन्युअल एडजस्टेबल हमें जो साइड की मिरर रहता है ग्लास रहती है वो। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, कोई भी स्टोरेज स्पेस हमें नहीं मिलता। कुछ ऐसे टाइप की हमें रियर अपहोल्स्ट्री मिलती है फैब्रिक में
और यहाँ पे हमें नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। बैठते हैं अंदर की तरफ। हमें लेग रूम की बात करें तो लेग रूम तो मिलता है ऊपर की तरफ, हमें यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है, इस साइड पे भी ग्रैब हैंडल देख सकते हैं आप। सेंटर में हमें हेडरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ से हम बूट एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। सेंटर में हमें आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता। लेग रूम तो काफ़ी अच्छा है पर अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा फ्लैट बेंच मिलता है। और सेंटर में हम्प मिलता है हमें, जो कि थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ा दिक्कत करेगा। कुछ ऐसे टाइप का केबिन दिखता है रियर से, देख सकते हैं आप, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे हमें नॉन एडजस्टेबल हाइट सीट बेल्ट मिलते हैं। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं आगे की तरफ, आगे की सीट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं की का प्लेसमेंट के लिए जगह दी गई है। अगर हम फ्रंट डोर की बात करें तो कुछ ऐसे टाइप का हमें फ्रंट डोर मिलता है, पूरा डिसेंट लुक के साथ सिंगल टोन में। यहाँ पे ये ब्लैक कलर में आप डोर हैंडल देख सकते हैं, उसके नीचे हमें यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। नीचे की तरफ 1 लीटर बॉटल होल्डर और थोड़ा स्टोरेज स्पेस स्पीकर के साथ। अपोल्स्ट्री काफ़ी अच्छी है फ्रंट की। यहाँ पे हमें टिल्ट एडजस्टमेंट के लिए ये नॉब दिया गया है और हम यहाँ से बूट और फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं ये दो नॉब से। यहाँ पे हमें हेडलैम्प लेवलर्स मिलते हैं, काफ़ी अजीब पोजिशनिंग है, काफ़ी अच्छे अजीब बटन्स है। यहाँ पे हमें ट्विटर का हाउसिंग दिया गया है, हम इसमें बाद में ट्विटर्स लगवा सकते हैं। बैठते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं अंदर की तरफ। हमें इसमें स्टेयरिंग के ठीक पीछे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर नहीं मिलता, वो पूरा कंसोल सेंटर में शिफ्ट किया गया है इस गाड़ी में। सेंटर में हमें सुजुकी की बैजिंग मिलती है और 3 स्पोक व्हील हमें स्टेयरिंग मिलता है। यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं सेंटर कंसोल में स्पीडोमीटर, थोड़ा छोटा MID डिस्प्ले मिलता है और जो अलर्ट लाइट्स है सभी दिखते हैं हमें इसमें। यहाँ से हम इसको कंट्रोल से कर सकते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू MT, रेंज, टोटल किलोमीटर्स, टाइम सभी दिखाता है वो छोटा सा डिस्प्ले। यहाँ पे हमें 2D इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलते हैं जिससे हम ऑक्स USB यहाँ पे देख सकते हैं, उसका ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल कट पिक दोनों कर सकते हैं, मेन्यू, मोड्स, FM वगैरह सब मिलता है हमें ब्लूटूथ। यहाँ से हम ट्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं आगे पीछे। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स की बात की जाए तो हमें डोर पे नहीं मिलते, यहाँ पे मिलते हैं। सेंटर में हज़ार्ड लाइट मिलती है और इस साइड के पावर विंडो कंट्रोल्स, इस साइड पे हमें वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे AC वेंट्स को कुछ ऐसे टाइप का अजीब प्लेसमेंट किया गया है AC वेंट्स का, देख सकते हैं आप। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे ये वैनिटी मिरर नहीं मिलता। यहाँ पे सेंटर में लाइट दी गई है, रीडिंग लैंप। यहाँ पे हम मैनुअली एडजस्टेबल IRVMs मिलते हैं हमें इसमें। इस साइड पे भी हमें वैनिटी मिरर नहीं मिलता, ग्रैब हैंडल मिलता है को ड्राइवर साइड पे। बूट ग्लोव बॉक्स की बात करें तो हमें इसमें काफ़ी छोटा ग्लोव बॉक्स मिलता है। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है हमें। गाड़ी में काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे AC कंट्रोल्स मिलते हैं, मैनुअल एडजस्टेबल AC मिलता है हमें, फ़ैन के कंट्रोल्स, टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटपुट मिलता है और थोड़ा हमें इसमें बाद में लगवाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे हमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स मिलता है और इसमें हमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक मिलता है, गियरबॉक्स काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है। स्टेयरिंग में हमें सेंटर में सुजुकी की बैजिंग मिलती है, 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता हमें इसमें। यहाँ पे हम इससे बोनेट ओपन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी है, डेली कम्यूट के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अगर आपको चाहिए इसका अब टेस्ट राइड बुक करना है तो मैं शोरूम के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करना, शेयर करना।